अब हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन की एक और एग्जांपल है. नाउ दैट इज n डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय n प्लस कैपिटल n होल रेज्ड पावर 1 ओवर 2. हमने ये प्रूव करना है कि दिस इज नियरली इक्वल्स टू 8n डिवाइडेड बाय 9n माइनस कैपिटल n माइनस n प्लस कैपिटल n डिवाइडेड बाय 4n. नाउ यू सी दैट n स्मॉल n और कैपिटल n आर नियरली इक्वल. तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी नियरली क्लोज टू जीरो. बाय यूजिंग दैट थिंग इन आवर माइंड हम ये देखते हैं कि कैपिटल एन माइनस एन, नाउ वी टेक इट्स डिफरेंस एंड इसको अज्यूम कर लेते हैं कि दिस इज इक्वल्स टू एच. सो जहां पे आपके पास कैपिटल एन और स्मॉल एन का डिफरेंस होगा वहां पे आप इसको एच के इक्वल प्लेस कर देंगे. सो एन capital N that will be equals to small n plus h, and h is the difference between capital N and the small n. Now we will verify both sides separately. Hum alag alag solve karenge aur dekhenge ki left hand side jab right hand side ke equal ho jayegi to hamara jo statement hai wo prove ho jayegi, aur ye hum karenge by using the binomial expansion. So left hand side, that is small n divided by 2 multiplied by small n plus capital N whole raised to power 1 over 2. Now you can see that capital N ko humne replaced kar diya hai n plus small h ke saath. So this will be equals to n divided by 2 multiplied by n plus h whole raised to power 1 over 2. Now अब हमने इसको इन्वर्ट कर दिया या इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो जो आपके पास पावर पहले प्लस वन ओवर टू थी, नाउ यू कैन सी दैट दिस विल बी माइनस वन ओवर टू. सो यू हैव टू मल्टीप्लाइड बाय एन प्लस एच होल डिवाइड बाय एन रेज टू पावर माइनस वन ओवर टू. नाउ विल सिंप्लीफाई इट, सो यू विल गेट टू मल्टीप्लाइड बाय टू एन प्लस एच ओवर एन रेज टू पावर वन ओवर टू. नाउ यहाँ से आप देखेंगे दिस विल बी इक्वल्स टू 4n प्लस 2h डिवाइड बाई n रेज टू पावर 1 ओवर 2. और नेक्स्ट स्टेप में आपने n जो दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज इन आवर न्यूमिरेटर. सो 4n डिवाइडेड बाई n प्लस 2h डिवाइड बाई n, सो दिस विल बी रेज टू पावर माइनस 1 ओवर 2. नाउ 4 प्लस 2h बाई n होल रेज टू पावर माइनस 1 ओवर 2. नाउ विल टेक 4 कॉमन, so we'll have 1 plus 2h plus 4n whole raised to power minus 1 over 2. ये सारे step करने का purpose ये था कि आपके पास एक general जो जिसपे हम binomial expansion apply कर सकें उस तरह की शक्ल बन जाए. और of course वो है 1 plus x raised to power n, that is equals to 1 plus nx plus n into n minus 1 over 2 factorial into x square up to so on. प्रोसीडिंग स्टेप्स में आप देखेंगे कि 4 रेज टू पावर माइनस 1 ओवर 2 ये आप लहजा से कैलकुलेट करेंगे, और बाकी की जो एक्सप्रेशन है दैट इज 1 प्लस h डिवाइडेड बाय 2n रेज टू पावर माइनस 1 ओवर 2 जिस पे आप लोगों ने बाइनोमियल एक्सपेंशन को अप्लाई करना है. सो ये रेड में आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन शो भी की गई है. नाउ वी विल जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज जिसमें n जो है वो आपके पास माइनस 1 ओवर 2 के इक्वल है, और x इस केस में आपके पास h डिवाइडेड बाय 2n के इक्वल है. सो बाय जस्ट पुटिंग द वैल्यूज यू विल गेट 1 ओवर 2 प्लस h ओवर 2n रेज टू पावर माइनस 1 ओवर 2. सो वी हैव 1 ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस माइनस 1 ओवर 2 दैट इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड बाय h डिवाइडेड बाय 2n. दिस इज इक्वल्स टू x. हमने स्क्वायर और उससे जो बड़ी पावर्स हैं उनको इग्नोर कर दिया है. As you know that जो आपके पास h है वो बहुत ही small है. सबसे पहले आपने कहा था कि capital N minus small n that is basically equals to h. So h is a very small value. So h का जब आप square लेंगे तो वो even ज़्यादा छोटा हो जाएगा. So we can just ignore it. तो आपके पास ये अब जो इस expression की शक्ल है that is equals to 1 over 2 multiplied by 1 minus h over 4n. So let's say this is our equation A. अब हमने जो right hand side थी उसको expression को देखना है और उस पर binomial expansion apply करेंगे.
और वो देखेंगे कि जो इक्वेशन ए अभी हमने सिंप्लीफाई करके कैलकुलेट की है, क्या ये इसके इक्वल आता है या नहीं आता। सो वी हैव राइट हैंड साइड एंड दिस इज इक्वल टू 8n डिवाइडेड बाय 9n माइनस n माइनस n प्लस कैपिटल n होल डिवाइडेड बाय 4n। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे बाय रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ कैपिटल n एंड दैट इज इक्वल टू n प्लस h। सो यू हैव 8n डिवाइडेड बाय 9n माइनस n प्लस h माइनस n प्लस h होल डिवाइड बाय 4n। तो दीज आर द मैथमेटिकल स्टेप्स जिसमें अभी हम जस्ट सिंप्लीफिकेशन ही कर रहे हैं। सो 8n डिवाइडेड बाय 8n प्लस h हो जाएगा माइनस 2n प्लस h ओवर 4n हो जाएगा। नाउ यू हैव 8n प्लस h होल रेज टू पावर माइनस 1 डिवाइड बाय 8n माइनस 1 ओवर 2 माइनस h बाय 4n। ये 8n डिवाइड बाय 8n प्लस h को इन्वर्ट करने का या इसका रेसिप्रोकल लेने का पर्पज ये है कि आपके पास 1 प्लस x रेज टू पावर n की फॉर्म में ये एक्सप्रेशन आ जाए। सो इन नेक्स्ट स्टेप यू विल सी दैट 8n अगर आप कॉमन लें या डिवाइड करें एक्सप्रेशन की दोनों साइड्स पे, तो यू हैव 8n डिवाइड बाय 8n माइनस h ओवर 8n होल रेज टू पावर माइनस 1 माइनस 1 ओवर 2 और माइनस h बाय 4n, ये एज इट इज साथ चलता रहेगा। सो इन नेक्स्ट स्टेप यू हैव 1 प्लस माइनस h बाय 8n होल रेज टू पावर माइनस 1 माइनस 1 ओवर 2 माइनस h बाय 2n। नाउ वी विल अप्लाई बाइनोमियल एक्सपेंशन दैट यू कैन सी इन द रेड इंक। सो दैट इज 1 प्लस माइनस 1, इस केस में जो आपके पास n की वैल्यू है दैट इज माइनस 1 और जो x की वैल्यू है दैट इज माइनस h बाय 8n। माइनस 1 ओवर 2 माइनस h बाय 4n एज इट इज साथ चलता रहेगा और हमने अगेन इसमें स्क्वेयर और हायर टर्म्स को इग्नोर कर दिया। यू कैन सी दैट जो एज आपके पास है दैट इज इन न्यूमिरेटर, इसका जब आप स्क्वेयर लेंगे तो ये एक्सप्रेशन इवन स्मॉलर हो जाएगी। सो वी कैन इग्नोर दैट। सो 1 प्लस एच बाई 8n माइनस 1 ओवर 2 माइनस एच बाई 4n, आफ्टर सिंप्लीफाइंग दैट यू विल सी दैट दिस विल बी इक्वल्स टू 1 ओवर 2 प्लस एच बाई माइनस एच बाई 8n। So by taking 1 over 2 common, so this will be equals to 1 minus h by 4n. So we say that this is our expression B. Abhi aapne previous slides mein dekha ke expression A was exactly equal to this form aur expression B bhi exactly isi form mein hai. So right hand side pe humne alahda se binomial expansion apply ki aur left hand side pe humne alahda se binomial expansion jab apply ki, both expressions ends up at the same result. So clearly shows that jo aapke paas left hand side or right hand side, these are the same.